सोच, विचार। सोच ऐसी चीज है कि जिससे पूरा जीवन आप बदल सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि जैसे इंसान सोचता है वैसा वो बन जाता है, और यह सही है। इसमें बहुत से शास्त्रियों ने काम किए हैं और ऐसा उनका अनुमान है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन परिवर्तित होता है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छे के लिए बदल सकते हो। लेकिन इसका अपोजिट भी है कि अगर आपकी सोच गलत है तो आप गलत इंसान भी बन सकते हो, या तो आप जो भी कार्य कर सकते हो वो रुकावट हो सकती है आपके कार्य में, लेकिन वो शायद अच्छे की ओर न हो। तो इसीलिए आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि ये सोच करने से आप आपको निर्भर बना सकते हो कि जो आपको चाहिए। तो आप क्या चाहते हो आपके जीवन में, वो पहला आपको समझना पड़ेगा कि आपका उद्दिष्ट, आपका गोल क्या है। और जब आपके ध्येय के प्रति आप बिल्कुल सजग हो जाओगे तो आपको समझेगा कि हमारी सोच कैसी हो। अगर हमारी सोच में सुस्पष्टता है तो सुस्पष्टता के कारण हम देखते हैं कि हमारा आलेख क्या है हमारे जीवन का, कि हमारा जीवन एक साथ ऐसा एक लाइन में नहीं होता है, तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी अप्स रहता है, कभी डाउन रहता है। इस ढंग का हमारा जीवन बने रहता है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जीवन के हर एक पहलू है और ये पहलू तो चलते रहेंगे, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, मेरी सोच क्या है, मैं खुद के लिए क्या सोचता हूं, मेरी आत्म प्रतिमा क्या है। और मेरी आत्म प्रतिमा अगर विधायक है, अच्छी है, तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं। अगर मेरी आत्म प्रतिमा अगर ठीक नहीं है, गलत है, या तो वो नकारात्मक है, तो मैं आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूं। और यही रीजन है कि हमारी सोच ये सबसे बिल्कुल बेसिक चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी सोच ही आपका जीवन बना देती है। तो ये सोच क्या है? तो ये सोच यही है कि जब भी हम किसी के बारे में हम लोग अच्छा सोचते हैं तो उसका अच्छा हो जाता है। हम किसी के बारे में अगर कुछ भलाई सोचते हैं और उसके जीवन में कुछ अनूठा जो भाग है वो अगर अच्छा करते हैं तो उसका जीवन उजागर हो जाता है, उसके जीवन में भी एक फलता है, उसका जीवन सुख समृद्धि और उसके जीवन में भी संपन्नता आ सकती है। और उसके जीवन में जो सामने वाला है उसके जीवन में हम लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन कैसे रहता है, तो उसके साथ हमारा भी जीवन उजागर हो जाता है, उसके साथ हमारा जीवन भी आनंदी हो सकता है। और ये सब हम एक सोच से ही कर सकते हैं। और ये सोच जैसे भी आप सोचते हो, सोचने के साथ साथ आपकी भावना वहां पे आ जाती है। देखिए आपका इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम कुछ सोचते हैं तो आपकी भावना वहां पे आ जाती है और फिर आपका कार्य जो है वो विकास वाला कार्य होता है, जो विधायक कार्य अगर करना चाहते हो वो आपको मिल सकता है। तो अच्छी सोच के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक, अच्छी सोच के लिए आपको सुस्पष्ट विचार होना जरूरी है। अच्छा सोचना, सुस्पष्ट विचार क्या है आपके, सोचते क्या हुआ। जब सुस्पष्ट आप सोचोगे तो ही आप कुछ बन पाओगे। तो सोचना भी ऐसा है कि उसमें वैल्यू देना है, खुद के लिए वक्त निकालना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, इसके लिए वक्त देना है। तो जब हम लोग सोचते हैं तो अच्छे के लिए ही सोचना, कभी भी अपने जीवन में किसी के भी बारे में, खुद के बारे में और अन्य कई व्यक्ति के लिए, अन्य कुछ समाज के लिए कभी भी बुरा मत सोचना। और तीन, जो समाज है, जो भी देश है, उसके लिए हम लोग वैल्यू देना सीखना चाहिए कि क्या वैल्यू देते हैं उसका, दूसरों का और मेरा जीवन अच्छा होने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा क्या कौशल है, मैं कहां पे कितना मैं दे सकता हूं। और जो भी देना है वो भर भर के देना है, पूरा लगन के साथ देना है और लोगों को हेल्प करना है कि जिसके जीवन में उनको प्यार, मोहब्बत और इंसानियत मिल सके और उनका जीवन मान ऊपरी स्तर के लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वो सिर्फ एक छोटी चीज हो सकती है, बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हो, आप दूसरे के जीवन में कैसा मूल्य रखते हो कि दूसरे का जीवन है वो जीवन बदल सके और अच्छी ऊपर के लेवल में वो आ सके। ये सब कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, आपकी सोच। तो मैं पसादिक हूं, मैं स्वास्थ्य संवर्धक तज्ञ हूं, मैं लेखक हूं और 1 कोटि लोगों के जीवन में आनंद, स्वास्थ्य और दुख मुक्त करके उनके जीवन में मैत्री, करुणा ये लाके उनके जीवन पूरा सफल हो जाए, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं, ये मेरा उद्देश्य है। और मेरा पसंदीदा माइंडफुलनेस ये प्राइवेट ग्रुप है, VIP ग्रुप है,
इसमें मैं ये प्रेरणादायी विचार रखता हूँ। उसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए आज ही मुझे ईमेल कीजिए।